हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम छोटी गर्ल के लिए लटकन बनाएंगे, जो कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, नेम वाला लटकन। तो यहाँ पे मैंने 3 स्क्वायर बनाए हैं, ये देखिए 3 स्क्वायर। और यहाँ पे फर्स्ट में मैंने बेबी का नेम लिखा है, गर्ल का नेम जो है वो, दूसरे में पापा की परी, तीसरे में माँ की लाडली। तो यहाँ पे अगर आप ब्राइडल लटकन बना रहे हैं तो ब्राइड और ग्रूम का नेम लिख सकते हैं और यहाँ उनके मैरिज की डेट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने गर्ल के लिए बनाया है, तो यहाँ पे मैंने पापा की परी और माँ की लाडली लिखा है। इसे कैसे बनाना है ये चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लहंगा बनाया है, उससे बचा फैब्रिक ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरा फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ पे ये मेरा फैब्रिक जो बचा था उसी का मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैं 4 फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये फैब्रिक, ये देखिए, ये 2 है मेरे पास, और इसे मैं अब फोल्ड करूँगी। मुझे यहाँ पे स्क्वायर बनाना है। आप अपने फैब्रिक जो बचा हुआ है उसमें जैसे एडजस्ट हो सकता है आप उस तरह से लेना। यहाँ पे मैं स्क्वायर के लिए 4 इंच लूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया है। 2 फैब्रिक थे और उसके मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब देखते हैं, ये मेरा 4 इंच यहाँ से लूंगी, लेंथ और विड्थ दोनों 4 इंच, ये 4 हो गया, ये और यहां से 4। तो ये मैं स्क्वायर बना लूंगी। और अब इसे मैं कट कर लूंगी, इसे मैंने कट कर लिया है। तो ये मेरे पास 6 पीसेस मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे 3 ऐसे बनाने हैं। ये देखिए, 3 स्क्वायर मुझे कुछ इस तरह से अपने चोली में लगाने हैं। तो आप देख सकते हैं, अब मुझे 2 स्क्वायर लेने हैं फैब्रिक के, ये 1 और 2। और इसमें अगर ये मेरा सीधा पार्ट है तो वो मैं अंदर की साइड रखूंगी, ये फैब्रिक को उल्टी साइड, ये दो, ये और ये मेरी उल्टी साइड है। यहां पे मैं 3 साइड स्टिच लगा दूंगी, ये 1, 2 और 3, और एक साइड खुली रखूंगी। तो यहां पे आप सिलाई मशीन से भी स्टिच लगा सकते हैं और हाथ सिलाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मशीन से 3 साइड सिलाई कर दूंगी, ये तीनों में आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने 3 साइड स्टिच लगा दी है। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है। ये देखिए, ये जहाँ पे हमने स्टिच नहीं लगाई है वहां से इसे ऐसे निकालना है। कॉर्नर्स खास करके ध्यान रखना, अच्छे से दिखने चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तीनों को हमें ऐसे ही करना है। ये देखिए, अगर कॉर्नर ठीक से ना दिखे तो कुछ पैन या मैंने यहाँ पे सीजर अंदर डाल के ऐसे निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये कुछ अब इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा स्क्वायर है जो हमने कट किया था और इसे हमने टर्न किया था।
अब इस स्क्वायर में हम सबसे पहले जो हमें लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है जो बेबी का नाम है वो एक स्क्वायर में, दूसरे में पापा की परी और तीसरे में माँ की लाडली। तो इसे मैंने यहाँ पे, ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर लिया और यहाँ से हम अब लाइन कर देंगे। आपको ये शायद ठीक से ना दिखे, पर यहाँ से मैंने 2 सेंटीमीटर लिया है। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि जब हम इसके अंदर जो फैब्रिक को डालें और इसे हम यहाँ से स्टिच करेंगे तो इसके लिए इतना हमें चाहिए होगा। तो अभी हम इसे ऐसे रखते हैं फोल्ड करके यहाँ से। अब हम यहाँ से, मुझे 3 लाइन चाहिए लिखने के लिए, पहले मैं पापा की परी, तो उसे मैं ये स्केल से यहां से मैं 2-2 सेंटीमीटर ऊपर और नीचे से छोड़ूंगी और बीच में इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगी। यहाँ पे मैंने 1.5 सेंटीमीटर लिया है, फिर 1/2 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर, फिर 1/2 सेंटीमीटर और फिर 1.5 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने लाइन कर देनी है। तो अब आप शायद समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रही थी। ये देखिए, ये मैंने ऐसे लाइन इसलिए की है ताकि ये लेटर्स जो है एक ही साइज के बने। तो ये देखिए, पापा की परी, ऐसे ही हमें यहाँ पे माँ की लाडली दूसरे में बनाना है और एक में यहाँ पे बीच में सिर्फ नाम लिखना है, जो भी गर्ल का नाम हो या वो बीच में लिखेंगे। ऐसे ही हम तीनों तैयार करेंगे। ये यहाँ पे मैंने व्हाइट पेंसिल से बनाया है ताकि आपको दिखे। आप रफली सिंपल पेंसिल से भी बना सकते हैं और फिर यहाँ पे मैं कलर करूंगी। तो अब हम इसे पेंट करेंगे। पेंट के लिए यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का यूज किया है, ये फैब्रिक कलर है और ये गोल्डन कलर से मैं अब पेंट करूंगी यहाँ पे जो लिखा है इसे। ये देखिए, ये 2 में मैंने ऑलरेडी पेंट कर लिया है और ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं 0 नंबर का ब्रश यूज कर रही हूं। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से मुझे ये जो लिखा है वहां पे पेंट कर लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने पेंट को ड्राई होने दिया है और ये ड्राई जब हो जाए कलर, तो उसके बाद यहाँ पे जो हमने एक साइड खुली रखी थी उस पे हम वेस्टेज फैब्रिक डालेंगे। अगर आपके पास वेस्टेज फैब्रिक ना हो और आप दूसरा कुछ डालना चाहे, कॉटन और या कुछ, तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक वेस्टेज डाल दिया है। अब हम इसे जो यहाँ पे हमने मार्क किया था वहां से वहां तक हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, इसे फर्स्ट ऐसे बेंड करना है, फिर ऐसे, और यहाँ पे हमें स्टिच लेना है। तो ये कुछ गद्दी टाइप इस तरह से दिखेगा। तो ये तीनों को हम ऐसे ही बना लेंगे। तो अब हम इन तीनों को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने में मैं बीच में यहाँ पे ये मोती का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरा कुछ यूज भी कर सकते हैं और कुछ नहीं करना है तो ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 मोती यूज कर रही हूँ, एक छोटा और बड़ा। आप अपने हिसाब से ज्यादा और कम ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने नॉर्मल थ्रेड लिया है और इसे मैंने डबल फोल्ड किया है। अब इसे मैं यहां से निकालूंगी।
ऐसे मैंने गांठ बांध ली। आप देख सकते हैं अब यहाँ पे बीच में मैं पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला दोनों मोती डाल दूंगी। अब इसे मैं इस थ्रेड को यहां से निकालूंगी। देख सकते हैं अब यहां वापस से मैं गांठ बांध दूंगी। ये यहां पे ढीला ना रहे उसका ध्यान रखना। ये देखिए ठीक इसी तरह मैं ये वाला जॉइंट कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये मैंने तीनों को जॉइंट कर लिया और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसे यहाँ पे जॉइंट करेंगे। ये बाजार में रेडीमेड मिलता है, इसे हम अपनी कमर पे लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऊपर आएगा और यहाँ पे बीच में मैं इसी तरह से मोती डालूंगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने किया ठीक ऐसे ही यहाँ पे मुझे मोती डाल के इसमें जॉइंट करना है। तो ये मैं करूंगी। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है इस तरह से। ये छोटा वाला मोती फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा इसी तरह से मैंने ये लगा दिया है और ये मेरा इतना कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे मोती और पॉम्पॉम लगा के डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए ये छोटे वाले पॉम्पॉम है मेरे पास। आप चाहे तो बड़े मोती और कुछ दूसरा यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अब हम इसे कैसे लगाना है। तो यहाँ पे मैं ये छोटा वाला मोती लूंगी इसे ऐसे डाल के। आप इसे यहाँ से थ्रेड निकाल के ऐसे गांठ बांध लूंगी। दो बार ऐसे करूंगी फिर यहाँ पे मैं ये पॉम पॉम डालूंगी और फिर मोती। अब हम इसकी हाइट देखेंगे कितनी हुई है। तो ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी तो ये इतना आएगा। अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से जैसे आपकी मोती की साइज हो उसके हिसाब से छोटा या बड़ा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एक मोती और डाल के देखूंगी। तो यहाँ पे मैं तीन मोती लगा के इसे यहाँ से निकाल लूंगी और जॉइंट कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तीन लाइन की है। ये सेकेंड वाली इसी तरह से सेम की है लेकिन यहाँ पे मैंने मोती ज्यादा लिए हैं और ये थर्ड वाली कॉर्नर वाली पे मैंने ये चेंज किया है। यहाँ पे मैंने ये बनाया है। तो इसे कैसे बनाना है ये मैं बता देती हूँ आपको। इसके लिए मैंने ये इस टाइप का बॉल लिया है, ये बाजार में तैयार मिलता है और इस तरह की तुई ये देखिए ये तुई है।
इसे मैंने ग्लू गन को यहां पे लगाया और फिर इसे इस तरह से पूरे सर्कल में ऐसे लगा दिया। तो ये मेरा इस तरह से बन गया। और यहाँ पे मैंने नीचे पॉम पॉम लगा के इसमें से यहाँ से मैंने थ्रेड को निकाल के ये मोती लगाए हैं। कुछ इसमें हार्ड नहीं है, इसी तरह से है, लेकिन बीच में मैंने ये डाला है। तो ये तीन मेरे ऐसे हो गए। अब इस साइड यहाँ पे और यहाँ पे सब में ऐसे ही मैं अपना वर्क करके कंप्लीट करूंगी लटकन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने सारे तीनों के तीनों में ये मोती लगा दिए हैं। लास्ट में मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। यहाँ पे मैंने ये दो साइड ही ये वाला बनाया था, नीचे में पूरा ऐसे बनाया है। ये पैटर्न आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मुझे ऐसा पसंद आया तो मैंने ऐसे किया। तो अब हम ये देखिए, ये पूरा रेडी है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे ये मेरे पास 3D ग्लिटर है गोल्डन कलर का। यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसके ऊपर मैं ये ग्लिटर लगाऊंगी, ग्लिटर से लिखूंगी। और यहाँ पे मैं बॉर्डर भी ऐसे बॉर्डर ग्लिटर से लगा दूंगी ताकि इसकी शाइनिंग आ जाए और ये और भी खूबसूरत लगे। आप देख सकते हैं ये अभी ऐसा दिखेगा, लेकिन जब ये ड्राई हो जाए तो एकदम गोल्डन कलर का दिखेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे तीनों पे मैंने ग्लिटर से लिख लिया है और साइड में बॉर्डर भी बना दी है। ठीक इसी तरह मैंने बैक साइड भी लिख के बॉर्डर बना दी है ताकि जब ये टर्न करे दोनों साइड तो सेम दिखे। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।